जिले की कोतवाली पुलिस ने नोहरी खुर्द मंदिर चोरी का पर्दाफाश किया है। आरोपी से चोरी किया गया सोना चांदी के जेवरात और नकदी कुल कीमत 2 लाख रुपए बरामद। कोतवाली टीआई रोहित दुबे ने बताया कि नोहरी खुर्द मंदिर में हुई चोरी की घटना के बाद नोहरी खुर्द में लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया तो चोर चोरी करते हुए पाए गए, जिसकी पहचान आरोपी खाटू श्याम कॉलोनी रोड पर से पकड़ा गया है, जिसे अपना नाम ब्रजेश कुशवाहा पुत्र रघुवर कुशवाहा उम्र 35 साल निवासी ग्राम बरखेड़ा थाना पोहरी जिला शिवपुरी का होना बताया है, जिसे आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके बारे में घटना के बारे में पूछताछ की गई तो उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया है। आरोपी के बताए स्थान से नोहरी खुर्द मंदिर में चोरी किए गए सोने के नथ, चांदी के गले का बड़ा हार, एक हनुमान जी के गले का चांदी का बड़ा हार, एक चांदी का कड़ा मुकुट और 6 छोटे मुकुट, चांदी के पैरों के कड़े, चांदी के दान पात्र और 6000 रुपए और कुल सामान जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया। एक नौरी में चोरी का मामला हुआ था जिसमें एक आरोपी पकड़ा हुआ है, माल बरामद हुआ है, क्या था ये पूरा मामला? विगत 7-8 दिन पहले नौरी खुर्द अपना गाँव है, यहाँ के निवासी थाने पर आए थे। इन्होंने मंदिर में जो भगवान की मूर्तियाँ थे उनके आभूषण एवं दान पेटी के रुपये चोरी होने के संबंध में FIR दर्ज कराई थी, जो दोनों घटनाएँ अलग अलग दिन की थी, जिसमें 2 FIR थाने पर पंजीवत की गई, जिसमें आरोपी ब्रजेश कुशवा निवासी ग्राम बरखेड़ा थाना पोहरी को चोरी गए माल के साथ पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के आरोपी से मंदिर से चोरी गए आभूषण जैसे मुकुट, लंबा हार, कड़ा, सोने की नथ एवं कुछ नकदी मशरूका तकरीबन लगभग 2 लाख का जब्त किया है। दोनों प्रकरणों में जो चोरी गया मशरूका है वो आज पुलिस ने जब्त किया है, आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया है। ये जो आरोपी था भैया वो कहीं यही रह के कुछ करता था क्या नौरी में या फिर डायरेक्ट मास? नहीं नहीं, अभी प्रारंभिक जांच में जो पता चला है और जो हमने तकनीकी रूप से जो साक्ष्य जुटाए थे उसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये व्यक्ति अकेला रहता है एवं ये चलता फिरता ऐसे स्थानों को ही चिन्हित करता है, यहाँ पर थोड़ा सा इनके लिए ईजी आसान तरीका रहता है। मंदिर में चूँकि किसी प्रकार का रात्रि के समय चूँकि आउटर में भी है, इस चक्कर में इसने इसको टारगेट किया और एक बार नहीं 2 बार वहाँ पर घटना को अंजाम दिया। इसमें 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए, इसमें गया हुआ पूरा मशरूका पुलिस ने बरामद किया। ये पहले से भी अपराधी है इन मामलों में? इस संबंध में संबंधित थाने पर पत्राचार किया गया है, यदि उनका कोई आपराधिक रिपोर्ट होगा आरोपी का तो उसको प्रकरण में संलग्न किया जाएगा।